हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई दिस इज इक्वल्स टू 111 एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू 111। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है कि एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। एंड इसको स्टूडेंट्स नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन। देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बेनिफिट होने वाला है? हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो फैक्टर मिल जाएगा एक, और राइट हैंड साइड में हमें जीरो मिल जाएगा। और एक बार अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर मिल गया और राइट हैंड साइड में जीरो मिल गया, तो हम फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट करके कंडीशंस निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस एंड यहाँ माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड आएगा माइनस वाई प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 111 में से 111 को माइनस करेंगे आएगा हमारे पास जीरो। यहाँ पर हमारे पास देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई एंड इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस एक्स माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक्स माइनस वाई एंड ये एक्स माइनस वाई, ये कॉमन आ रहा है। अगर मैं x माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस एंड x माइनस वाई कॉमन चला गया, यहाँ आएगा 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर इन दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फैक्टर आ गया और राइट हैंड साइड में 0। तो आपको पता है कि इफ a इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 0, B इज इक्वल्स टू 0 और बोथ आर 0। अगर स्टूडेंट्स मैं इस रूल का यूज़ यहाँ पर करूँगा, तो देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास A है एंड ये हमारे पास B है, तो यहाँ पर क्या आएगा X माइनस वाई दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड आएगा X प्लस वाई प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा X इज इक्वल्स टू वाई एंड यहाँ से आएगा X प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड एक आ रहा है हमारे पास एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1। बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यही एक केस आ रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 111 एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू 111। स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 222। तो देखिए यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं यहां पर प्लस 2xy कर दूं एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दूं 2xy को, एंड हमारे पास यहां पर जो है इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो आएगा एक्स प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 222। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है एंड यहाँ पर आएगा माइनस 2xy माइनस एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 222। अब x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ आएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस एंड x प्लस वाई की जगह क्या आएगा माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 222। तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ आएगा हमारे पास 1 एंड माइनस 2 एक्स वाई
एंड इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू 222। तो ये वन प्लस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू माइनस टू एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू 222। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस टू एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू 222 माइनस टू, तो ये आएगा माइनस टू एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू 220। तो अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ माइनस टू से, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एंड 220 को डिवाइड करेंगे माइनस टू से, तो एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 110। तो हमारे पास एक्स इंटू वाई की वैल्यू आ रही है माइनस 110, और एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 1, एंड एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास माइनस 110। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए मैं अब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी मेरे पास माइनस वन माइनस एक्स, एंड यहाँ पर एक्स एंड ये जो वाई है, इस वाई की जगह ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वो है हमारे पास माइनस वन माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 110। एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस एक्स, एंड एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 110। एंड यहाँ पर ये हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर के आऊँगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इधर आएगा हमारे पास माइनस 110, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म के जरिए से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, इस एक्स की जगह लिखेंगे हम 11x माइनस 10x माइनस 110, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x, यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं x कॉमन लूंगा तो आएगा x प्लस 11, एंड यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मैं माइनस 10 कॉमन ले रहा हूँ तो आएगा x प्लस 11, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये x प्लस 11 और ये x प्लस 11 ये कॉमन आ रहा है, तो अगर x प्लस 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा x माइनस 10, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं फिर से रूल लगा सकता हूँ, इफ ए इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू 0, तो मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0 और बोथ आर 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स प्लस 11 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 10 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 11 एंड यहाँ से आएगा एक्स इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू आ रही है एक्स की हमारे पास माइनस 11 एंड एक वैल्यू आ रही है एक्स इज इक्वल्स टू 10। बट यहाँ पर हमारे पास अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, और वाई इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस 1 माइनस एक्स, तो आएगा वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स की जगह आएगा माइनस 11, तो यहाँ आएगा माइनस 1 प्लस 11, तो यहाँ आएगा हमारे पास 10। तो देखिए वाई की वैल्यू आ रही है 10, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स कोमा वाई आएगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है माइनस 11 एंड वाई की वैल्यू है 10, एंड इसको सॉल्व करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस 1 माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस एक्स की जगह आएगा 10, तो वाई इज इक्वल्स टू आ रहा है 11। तो देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा, सेकंड सॉल्यूशन वो क्या आएगा कि एक्स की वैल्यू आ रही है 10, तो वाई की वैल्यू आ रही है माइनस 11। तो स्टूडेंट्स ये फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।